जसविंदर सिंह बिट्टा। यदि आप अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हैं, आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हो, तो इसके लिए हमने बुलाया अतुल शाह जी को। अतुल शाह मुंबई से आए हैं, मोटिवेटर हैं, बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं, जगह जगह जाते हैं, सेमिनार लगाते हैं कि आपका खाना कैसा हो, आपको धूप कैसे लेने हैं, पानी कितना पीना है, आकाश तत्व का क्या महत्व है, पृथ्वी का महत्व है, पका हुआ भोजन आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है, जो कच्चा भोजन है वो कितना सेहतमंद है आपके लिए, इसीलिए हम बात करते हैं अतुल शाह। अतुल जी, पहले तो आपका स्वागत और धन्यवाद आपने। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपने हमें आमंत्रित किया और इसके लिए भी आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। जी अतुल जी, सबसे पहले पंजाब में बात करें, हिमाचल में करें, चंडीगढ़ में करें, ऑल ओवर इंडिया में करें, तो वर्ल्ड में बात करें, तो इंसान की जो रेशो है एज की कम हो रही है, बीमारी बढ़ रही है, जगह जगह हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लोग पैसा कमाते हैं, हॉस्पिटल को जाते हैं, देते हैं, इसका ये सारा सिस्टम खत्म हो सकता है? बिल्कुल, जितना मेडिकल साइंस आगे निकल रहा है, इंसान जितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इंसान की बीमारियों की भी तरक्की होती जा रही है। आज अगर हम कहें तो इस संसार में सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित कोई बीमार कोई रोगी इंसान हो या कोई जीव हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा बीमार है हम इंसान। इस धरती पे सिर्फ एक इंसान है जिसे अब दवाइयाँ खानी पड़ती है। बिल्कुल, अन्य कोई पशु प्राणी हम इंसान की तरह बीमार नहीं पड़ते और ना ही कभी इनको हम इंसान की तरह दवाइयाँ खानी पड़ती है। जी, और अगर आपने कभी किसी पशु प्राणी को बीमार भी देखा हो तो वो ज़रूर इंसान की बस्ती में रहता होगा और इंसान का फेंका हुआ भोजन खाता होगा। और हम इंसान इतने ज़्यादा बीमार है, उसका एक ही मूल कारण है, एक ही मुख्य कारण है, और वो है हमारी गलत जीवन शैली। और जब तक हम अपनी जीवन शैली के अंदर झांक कर उसमें बदलाव नहीं करेंगे, तब तक इंसान इस बीमारियों की भूल भुलैया से ऊपर नहीं आ सकता। बिल्कुल, तो मनुष्य खाए क्या? हम लोग खाना चाहते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, डॉक्टरों के इलाज से मुक्ति चाहते हैं। बिल्कुल, तो क्या खाए ये समझने के लिए इंसान को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान का शरीर बना कैसे है, उसकी ज़रूरत क्या है। और इंसान इसे समझ ले और उसकी ज़रूरत को पूरा करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि वापस लोगों को स्वास्थ्य मिल सकता है। और समझना क्या है, हमारे YouTube चैनल पे ओजस लाइफ के नाम से हम कार्य करते हैं, और हमारे चैनल पे, हमारे फेसबुक के पेज पे हज़ारों ऐसे लोग हैं, अब तक लाखों की संख्या में लोग मेरे सेमिनार सुन चुके हैं, और उनमें से हज़ारों लोगों को ऐसे फ़ायदे हुए हैं जहाँ पे लोगों की 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी बीमारियाँ ठीक हो गई है, जिसमें डायबिटीज़ से लेकर ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हो या फिर कैंसर तक रिवर्स हुए हैं। ऐसे किस्से हमारे YouTube चैनल पे हमने शेयर की है, और सिर्फ जीवन शैली बदल कर, तो बस थोड़े से बदलाव, थोड़े से परिवर्तन करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है और बीमारियों से भी मुक्ति हो सकती है। तो वाकई में ये जीवन संभव है और इसके लिए शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अतुल शाह कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, अतुल शाह कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये बताते हैं आपको कि आपकी सेहत के लिए कौन सा फूड अच्छा है, क्या आपने लंच करना है, क्या आपने ब्रेकफास्ट करना है, क्या आपने डिनर करना है। उसकी जीवन शैली को सुधारने के लिए हमने अतुल शाह को बुलाया था। अतुल जी, सबसे पहले बात करें तो विटामिन डी की बहुत कमी है, ऑल ओवर इंडिया में कह लें, या पंजाबियों में कह लें, या भारतीयों में कह लें। बिल्कुल, तो ये इसका कारण क्या है? अब दो चीज़ों को मैं आपको जवाब देना चाहूँगा, जिसमें कहा कि अतुल शाह डॉक्टर नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि किसी इंसान को स्वास्थ्य के नियम बताने के लिए, मतलब मैं हमेशा अक्सर अपने टॉक्स में कहता हूँ कि वी टॉक ऑन कॉमन सेंस ऑफ हेल्दी लिविंग। इस संसार में कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे हाथ में अगर कोई वस्तु है और मैं उसे ऐसे छोड़ दूँ हाथ से, वो ज़मीन पे गिर जाएगी। बिल्कुल, उसको किसी कमांड की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी कमांड की ज़रूरत नहीं है, और वो ये कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए कोई प्रमाण की भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक वैसे ही हम स्वास्थ्य के कॉमन सेंस पे बात करते हैं, तो इस संसार में जितने पशु प्राणी हैं उसमें एक ही मनुष्य है जिसने अपने शरीर पे वस्त्र का कवच लगाया और अपने आप को सूर्य से दूरी बना ली। पहले के हमारे बुजुर्ग होते थे
तो वो कम से कम खेतों में काम करना, घर के आंगन में बर्तन धोना, कपड़े धोना, शौच जाना, सारे काम घर के आंगन में होते थे। मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए जाते थे तो सब मंडी में जाते थे और सड़कों पे धूप में घूमते थे, खेतों में काम करते थे। लेकिन आज वो सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं या फिर घर के अंदर हो जाते हैं, और हम इंसान सूर्य से बहुत दूर निकला है। और इसीलिए भारत में, हमारी मेडिकल काउंसिल कहती है कि भारत में रहने वाले लोगों में 80% लोगों में सूर्य तत्व की कमी है, यानी विटामिन D3 डी की कम। कमी। और सूर्य कम होगा तो जो इंसान सूर्य से दूर जाएगा वो वक्त से पहले नष्ट हो जाएगा। जी ये संसार का नियम है कि सूर्य से जो भी दूर जाएगा वो वक्त से पहले नष्ट हो जाएगा। इस संसार के सारे पशु प्राणी सूर्य के साथ दिन भर जुड़े रहते हैं, नाता जोड़ के रखते हैं, इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग मेंटेन करते हैं। हम इंसान ने सूर्य से दूर जाके बीमारियों को आमंत्रित किया है। अगर मैं उदाहरण दूँ कुछ समझने के लिए कि लोग, दर्शक भी और अच्छे से समझ पाए, तो हम जितना सूर्य से दूर जा रहे हैं उतनी बीमारियों की गिनती बढ़ती जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण कि एक इस संसार में सूर्य के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। देर इज नो लाइफ पॉसिबल विदाउट सन। सूर्य नहीं होगा तो इस संसार में कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी और कोई जीवन संभव नहीं होगा। तो सारा जीवन संभव है सूर्य की वजह से। और सूर्य कम होगा तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी। इम्यूनिटी लो यानी बार बार एलर्जीज होना, अलग अलग बार बार बीमार पड़ना, इन्फेक्शन होना बार बार शरीर में, अलग अलग प्रकार के, नींद की कमी हो सकती है, इम्बैलेंस हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, और इसकी वजह से कैंसर तक की बीमारी तक हम पहुंच सकते हैं धीरे धीरे। तो ऐसी अनेक चीज़ें हैं। अरे हम अगर कुछ और उदाहरण को जोड़े तो सिर्फ एक रात अगर कपड़े भी सुखाते हैं, बिना धूप के अगर कपड़े भी सुखाए तो उसमें भी बदबू आने लगती है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, यानी फंगस हो जाता है। तो हम इंसान के शरीर में अगर सालों साल से सूर्य तत्व की कमी है तो हमारे शरीर में भी वैसे ही सड़न होनी शुरू हो जाएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी। इन संसार के जितने पशु प्राणी हैं वो दिन भर सूर्य से जुड़े रहते हैं। और फिर आप देखिए जो हमारी सोसाइटी में, हमारे एरिया में जो भी रास्ते पे घूमने वाले कोई कुत्ते बिल्ली रहते हो तो उनको खाना कहाँ से मिलता है? बिल्कुल किसी ना किसी कूड़ेदान से, या रास्ते में पड़ा हुआ कोई बासी खाना होता है, फेंका हुआ, वही भोजन वो खाते हैं। और किसी नाले से पानी पी लेते हैं या सड़क पे पड़ा हुआ गंदा पानी पी लेते हैं, फिर भी ना उनको सर्दी होती है, ना बिल्कुल खांसी होती है, ना मलेरिया होता है, ना टाइफाइड होता है। और हम इंसान प्लास्टिक की बोतल का पैक पानी पीते हैं, थाली में लेकर खाना खाते हैं, और फिर भी हम इंसानियों की बीमारी की लिस्ट कम नहीं हो रही, डॉक्टर्स के पास लाइन कम नहीं हो रही। तो ये लो इम्यूनिटी का भी अगर कोई कारण है तो हमारे शरीर में सूर्य तत्व की कमी है। जी अतुल जी, एक हेल्दी बॉडी को, चाहे वो आदमी हो या स्त्री हो या बच्चा हो, उसको कितना सूर्य का किरण चाहिए, कितने टाइम चाहिए, कैसे ले सकते हैं सूर्य की किरणें, हम कैसे ले सकते हैं और किस टाइम ले सकते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि हम भारतीय लोग हैं और भारत में रहने वाले लोगों के लिए, हम जो लोग हैं ये दिन भर धूप में रहने के लिए डिज़ाइन हुए हैं। इसीलिए शायद ऊपर वाले ने हमारी स्किन में एक मेलोनिन नाम का पदार्थ दिया है, जो ऊपर वाले का दिया हुआ एक नेचुरल सनस्क्रीन है। तो हमें एक तो सूर्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, भारत में रहते हैं, हम US में नहीं रहते, अगर US में होते तो 8 बजे के बाद आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, जी लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए सूर्य लेने का नियम अगर हम बात करें तो सिर्फ गर्मी के मौसम में सुबह जल्दी धूप लेनी चाहिए, लेकिन बाकी के मौसम में आप भारत में कभी भी धूप ले सकते हैं, यानी दोपहर को 12 बजे। जैसे मौसम अभी यहाँ पर है पंजाब में, जितनी ठंड है यहाँ पर, अभी 10-15 डिग्री के बीच में तापमान है, तो यहाँ पर हम दोपहर को भी जा पे धूप में बैठ सकते हैं और उसका पूरा पूरा लाभ हमें अवश्य मिलेगा। इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जी बिल्कुल, प्राइम एशिया के जरिए आप न्यूजीलैंड भी देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे जो व्यूवर हैं वो देख रहे हैं आपको, बिल्कुल कनाडा में भी हैं, और बिल्कुल इधर हमारा US में भी है, पूरी बिल्कुल दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंडियन लोग हैं बिल्कुल वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे बिल्कुल। हैं। पंजाब की बात, इंडिया की बात कर ली कि 360 दिन यहाँ पे धूप रहती है, 300 दिन से ज़्यादा धूप रहती है यहाँ। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा रेडिएशन का ज़्यादा है, बिल्कुल वहाँ पे है कि जो ओजोन लेयर है
उसमें लोग कह रहे हैं कि ऐसी धूप सीधे नहीं ले सकते हम, बिल्कुल। तो वहां क्या प्रिकॉशंस है? तो जहां पर भी रहते हैं, सूर्य का नियम यह है कि अगर आप संसार में कहीं पर भी हैं और आप चीज़ों को समझ नहीं पाए, या मैं मौसम के बारे में, हर जगह के बारे में अगर हमको जानकारी ना हो और हम वहाँ चले गए, तो नियम क्या है कि जब भी धूप में जाए तो आपके बॉडी पे धूप की गर्माहट महसूस होनी चाहिए, लेकिन बर्निंग सेंसेशन नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होनी जलन चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो अगर जलन होती है तो नियम यह है कि तुरंत वहाँ से हट जाइए, सिर्फ गर्माहट महसूस होनी चाहिए जब आप धूप लेते हैं, और उसी गर्माहट से आपको सूर्य के सारे लाभ मिल जाएंगे। प्रतिदिन कितना टाइम, उसका कोई ड्यूरेशन भी रखा है आपने? जी बिल्कुल। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि भारत में रहने वाले लोगों को ये तो पता चले कि हम कपड़े पहन के, अगर इतने मोटे कपड़े पहन के जैसे आप आपने पहने हैं, तो इतने मोटे कपड़े पहन के अगर बैठेंगे और सूर्य की रोशनी हमारी चमड़ी तक नहीं पहुँचेगी, एक्सपोजर नहीं होगा, तो सूर्य का कोई अधिक लाभ नहीं मिलेगा। जितना चेहरे से एक्सपोजर है या हाथों से है, तो बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है। तो शरीर पे जितने पतले कॉटन के कपड़े हो जिससे सूर्य हमारे शरीर पे कम से कम 50% तो पहुंच पाए, जी तो उतना लाभ मिलेगा। तो एक्सपोजर होना शरीर पे बहुत ज़रूरी है। और अगर रोज़ की मैं बात करूँ, देखिए लोग आजकल इतनी बिजी लाइफस्टाइल हो गई है कि वाकई में लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर एक बार आपका विटामिन डी बिल्कुल लो हो चुका है, तो शुरू के 15 दिन से 1 महीना रोज़ लेनी चाहिए धूप, और कम से कम 1 20 मिनट लेनी चाहिए, क्योंकि 1 20 मिनट ऐसा समय है कि उसके बाद तो एक्चुअल वो बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो 20 मिनट कम से कम एक समय देना चाहिए सूर्य में, और ज़्यादा समय हो तो आप आधा घंटा भी बैठ सकते हैं। लेकिन जिसकी स्किन सेंसिटिव हो गई हो, उनको एक 5 मिनट से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे समय बढ़ा लेना चाहिए, जी और एक आध 15 दिन या एक आध महीना आप रोज 20 मिनट या आधा घंटे के लिए ले लें। लेकिन एक बार आपका विटामिन डी सही बैलेंस हो गया तो उसके बाद मेंटेन करना आसान है। फिर आप हफ्ते में 2 दिन भी जाके धूप लेते हैं, आधा घंटा 20 मिनट की, तो भी आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। जी अतुल जी, एक बात आप करते हो कि वो जी डेड और लाइव फूड, जीवित फूड और मृत्यु फूड, जी बिल्कुल। ये दोनों फूड कौन कौन से हैं? तो बॉडी को ये इसका डेड फूड का नुकसान क्या है, जीवित फूड का फायदा क्या है? पहले तो ये बताओ कि जीवित और डेड फूड कौन कौन से हैं? अब ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि इस संसार में किसी भी भोजन को, अनाज को, आप घर पे रखे हुए अनाज के दानों को आप जमीन में डाल दीजिए और 5 तत्वों की शक्ति दीजिए तो उसमें से प्राण बाहर निकलेंगे। लेकिन उसी भोजन को अगर आप चूल्हे पे रख के पका लेंगे और पकाने के बाद उस भोजन को जमीन में डालेंगे तो वो उगेगा नहीं, यानी उसके प्राण नष्ट हो चुके हैं। तो पकने के बाद भोजन कोई भी संसार में उगता नहीं है। जैसे इंसान उगने की बात बहुत दूर है हमारी, लेकिन जैसे इंसान की मृत्यु के बाद 8 घंटे में शरीर में से स्मेल आनी, दुर्गंध आनी शुरू हो बिल्कुल जाती है, ठीक वैसे ही पका हुआ भोजन भी 8 घंटे में लगभग स्मेल मारना या खराब हो जाता है, यानी पूरी तरह से डेड हो जाता है। तो कोई भी पका हुआ भोजन जो है उसमें प्राण नहीं रहते। और अगर मैं इसे साइंटिफिकली बात करूं, तो पकने के बाद जो है, किसी भी वस्तु को आप अग्नि पे चढ़ाइए, जिस वस्तु में प्राण है उसके प्राण तो निकल जाएंगे, चाहे बिल्कुल वो एक पशु प्राणी हो, चाहे कीड़ा मकेड़ा हो, या फिर कोई पक्षी हो, आप उसे अग्नि चढ़ाइए और उसका मरना तय है। और जो खुद मर चुका है वो दूसरे को प्राण नहीं दे सकता, जी बिल्कुल। है ना। और अगर साइंटिफिकली हम बात और गहराई में करें, तो जो भी वस्तु पकती है उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन वैल्यूज डेड हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है। उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है पकने के बाद। और जब नष्ट होती है, जितनी वैल्यूज कम हो जाती है उसकी, तो जो वस्तु नष्ट होगी वो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करेगी, यानी जो वस्तु नष्ट हो चुकी है वो टॉक्सिन में क्रिएट हो जाएगी। टॉक्सिन यानी अगर हम हिंदी में उसे कहें तो एक धीमा जहर, अगर आप कह सकते हैं, तो वो शरीर में जाके टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन करेगी और वो बीमारियों को आने वाले भविष्य में आपके शरीर में उत्पन्न करेगी। हेल्दी बॉडी के लिए आप बोलते हो कि पका हुआ फूड एक जहर के बराबर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरह से जहर है, कुछ ना कुछ वैल्यूज है, लेकिन पकने के बाद टॉक्सिन की वैल्यूज बढ़ जाती है। तो अगर पका हुआ भोजन ही पूरा का पूरा हम फोकस में रहेंगे,
हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अपना आनंद नहीं छोड़िए, हम ये नहीं कह रहे कि हम संसार के बाद के पशु प्राणियों की तरह आप पूरा कच्चा खाना शुरू कर दीजिए या पकाना बंद कर दीजिए। बिल्कुल हम सिर्फ स्वास्थ्य के इतने नियम कह रहे हैं कि सुबह उठते ही जो सबसे पहला ब्रेकफास्ट होना चाहिए, आपका नाश्ता होना चाहिए, वो होना चाहिए फ्रूट्स का। आपको भर पेट फ्रूट्स खाने चाहिए। कौन से फ्रूट हो सकते हैं? जो भी ऋतु अनुसार, जो आपके आसपास में ऋतु अनुसार जो भी फल सब्जियां मिलती है, उसी फल सब्जियों को हमें फोकस में रखना चाहिए खाने के लिए। लेकिन ज़्यादातर तो इंडियन लोग पहले सुबह चाय मांगते हैं, बैटी मांगते हैं, बिस्कुट मांगते हैं, रस मांगते हैं, बटर जैम मांगते हैं, इसको अतुलशाह कैसे देखते हैं? मैं कभी कभी ऐसे अपने कार्यक्रमों में कहता हूँ कि दुनिया का सबसे अगर कोई वर्स्ट यानी सबसे वाहियात, सबसे घटिया अगर कोई नाश्ता हो, ब्रेकफास्ट हो, तो वो है चाय के साथ बिस्किट खाना या रस खाना। हाँ तो मैं इसलिए ये बात करता हूँ क्योंकि हम एक्चुअली हमारी गाड़ी बनी है, कहीं ना कहीं वो समय था जब इंसान और इस संसार के सारे पशु प्राणी आज भी अपना भोजन उसी रूप में खाते हैं, उसी रूप में स्वीकार करते हैं जिस रूप में प्रकृति उन्हें देती है। और हम इंसान भी कहीं ना कहीं एक समय था जब हम बिना पकाए खाते थे क्योंकि हमारे पास अग्नि नहीं थी। तो हमारी गाड़ी पेट्रोल के लिए बनी है लेकिन हम उसे केरोसिन पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा कहना यही हो रहा है कि भले आप पूरा पका हुआ भोजन ना बंद करें, आप जीवन में संतुलन लाइए, खाने से पहले सलाद खाइए और बाद में अपना भोजन खा लीजिए, आप उसका आनंद भी लीजिए भोजन का, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप भोजन को खाएं, भोजन आपको ना खा जाए। तो थोड़ा सा संतुलन लाइए, सुबह नाश्ते में फल, दोपहर को भोजन से पहले सलाद, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अतुल शाह जी, बात करते हैं कि जब भी आप सीजनल और रीजनल यानी जो भी आपके इलाके के हिसाब से जो फल फ्रूट मिल रहे हैं वो कच्चे खा सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं, और अतुल शाह का ये दावा भी है कि यदि आप आज से ये शुरू करते हो तो कल से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी उसे ऐसे संभालेगी। और सिर्फ मेरा दावा नहीं, मैं अगर आपसे कहूँ सतेंद्र जी तो सॉरी करें, नाम में मिस्टेक हुआ है, जसविंदर बेटा। ओके तो मैं अगर आपसे कहूं जसविंदर जी, सिर्फ एक अतुल शाह दावा नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जब किसी से अस्पताल में मिलने जाते हैं, किसी मरीज से मिलने जाएं, तो आप उस मरीज के लिए क्या लेकर जाना पसंद करेंगे? आप उनके लिए छोले कुलचे लेके जाएंगे या समोसे जलेबी? कभी भी नहीं। क्या लेके जाना पसंद है? जूस लेके जाएंगे या फ्रूट लेके जाएंगे? बिल्कुल फ्रूट लेके जाएंगे। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि अगर एक बीमार इंसान फ्रूट्स खाएगा, फल खाएगा, वो जल्दी से हेल्दी हो जाएगा, एंड फ्रूट्स आर हेल्दी। सो अगर हम रोज सुबह अगर नाश्ते में फ्रूट्स खाएंगे तो इंसान जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा और जल्दी से हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। तो ये बहुत सिंपल और कॉमन सेंस की बातें हैं कि द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स इज ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, और खाली पेट हमारे पास अक्सर सुबह सुबह होता है। सो द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स इस मॉर्निंग आवर्स। तो सुबह का समय अगर इंसान फ्रूट्स के लिए रखे, कोशिश करे इंसान की आधा दिन सुबह से लेकर दोपहर तक का समय फल और सलाद के लिए रखे, और आधा दिन अपनी गाड़ी को पेट्रोल पे चलाए, और उसके बाद चाहे जैसी मर्जी जो आनंद लेना है ले भोजन का, लेकिन इतनी भी कोशिश करे और इतना भी परिवर्तन करे इंसान, तो दोबारा से स्वास्थ्य को पाना बहुत आसान है और स्वस्थ रहना भी बहुत सरल है और आसान है। गाड़ी पे जो डैशबोर्ड लगा होता है उस पे हम सिग्नल देखते हैं कि हमारी गाड़ी में फ्यूल कितना है, हमारी गाड़ी हीट तो नहीं हो रही, रेडिएटर में पानी है, इंजन में ऑयल पूरा है, तो ऐसे हमारी बॉडी भी कोई हमें साइन देती है? बिल्कुल, हम अक्सर अपने सेमिनार्स में ये कहते हैं कि डिजीजेस आर इंडिकेटर्स, रोग एक संकेत है गलत जीवन शैली का। और हमारा शरीर भी हमें संकेत देता है जब हमारी जीवन शैली गलत होती है, तो उसमें अनेक ऐसे छोटे छोटे संकेत देता है जिसका आज का इंसान जिसे बीमारी की गिनती में नहीं लेता। तो अगर मैं छोटी छोटी ताज्जुब की बातें करूं तो इसमें है कि गैस बनना, अगर गैस बनती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कोई भी गैस बनाने की मशीन नहीं लगी है, और फिर भी अगर गैस बनती है तो ये समझना होगा कि घर के
कूड़े के जो डब्बा होता है, यानी कचरे का डब्बा जो होता है, डस्टबिन जो होता है, उसमें अगर कूड़ा 2-4 दिन तक बाहर ना फेंका जाए तो उसमें से भी गैस निर्माण होती है, उसमें से भी दुर्गंध निर्माण होती है। बिल्कुल तो हमारे पेट में भी अगर भोजन सड़ेगा तो ही गैस निर्माण होगी और दुर्गंध निर्माण होगी। अतुल जी, गैस, अभी आपने गैस की बात की है ना, जी तो कभी 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 हम सोचते हैं कि हमने स्कैन कराया जी, जी इतनी बड़ा स्टोन आया है, जी तो स्टोन की फैक्ट्री भी अंदर नहीं लगी हुई है। बिल्कुल। तो बिना स्टोन खाए, अगर बिना पत्थर खाए इंसान के शरीर में पत्थर बनते हैं, तो ये भी एक गलत जीवन शैली का संकेत है। गैस बनना ये गलत जीवन शैली का संकेत है। गैस बनेगी तो बिना चोट के आपको शरीर में दर्द होगा, जो भी हिस्सा कमज़ोर होगा वहाँ पे दर्द होगा, और अगर कोई कमज़ोर जगह नहीं मिलेगी तो सर में दर्द होगा, लेकिन गैस बनेगी तो दर्द होगा। इसके अलावा ऐसे कई छोटे छोटे लक्षण हैं जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, कि जैसे कि नींद नहीं आना या फिर बहुत ज़्यादा खर्राटे आना, ये भी एक गलत जीवन शैली का संकेत है। साल भर 365 दिन गले में म्यूकस बनना, यानी फ्लेम, फ्लेम यानी बलगम जिसे हम बलगम कहते आ हैं, जाता तो रोज़ बलगम बनना, रोज़ सुबह उठने पे हम बलगम थूके, तो ये गलत जीवन शैली का संकेत है। ठीक वैसे ही अगर आपके आँखों में रोज़ सुबह उठने पे अगर म्यूकस आता है तो ये हम भी, आंखें साफ करते हैं जी और बिल्कुल, हाँ चिपचिपाहट होती है कई जी बार। पीले रंग का लगभग चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये अगर आपकी आँखों में आता है तो इसका अर्थ है कि ये गलत जीवन शैली का संकेत है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे संकेत हमारा शरीर हमें देते रहता है कि भाई साहब आपकी जीवन शैली गलत है। और कॉन्स्टिपेशन, ये आजकल बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा हो गया है, कब्ज की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और पेट साफ तो रोग माफ, ये कहा गया है, और आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है। और कॉन्स्टिपेशन को समझना, यानी जिस इंसान को टॉयलेट में, वॉशरूम में 3 मिनट से ज़्यादा समय लगता है, उसे ये समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिपेटेड है। तो टॉयलेट में इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और उससे ज़्यादा समय अगर वो बैठेगा भी तो बिल्कुल और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, जोर लगाएगा, और जोर लगाने की वजह से पाइल्स हो जाएंगे, फिशर्स हो सकते हैं, तो ये सारी समस्याएं बढ़ जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, और आहार सही होगा। दिन भर में जो भी भोजन खाते हैं उसमें जितनी अनाज की मात्रा कम हो, जी अनाज यानी रोटी या दालें खाते हैं अलग अलग प्रकार की, ये अनाज की मात्रा कम हो और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो, सैलड की मात्रा ज़्यादा हो, तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। जी इसमें हम पूरा डे का प्लान करें तो ब्रेकफास्ट कितने बजे तक हम कर सकते हैं? यदि हम सुबह उठे हैं, चाय के अल्टरनेट क्या है आपके पास? हम चाय पीते हैं दूध वाली, शक्कर वाली या चीनी वाली, जी कई बिल्कुल, बार हम ग्रीन टी हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं, जी कई बार बिल्कुल हम कॉफ़ी पी लेते हैं। बिल्कुल हमारे जो बहुत सारे ऐसे हमारे साथ जो जुड़ते हैं लोग, बिल्कुल उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि चाय के बिना तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, हम तो बेड नहीं, से उठ नहीं सकते जब तक चाय हमारे बेड पे ना हो। बिल्कुल। देखिए मैं भी ये नहीं चाहता कि इंसान के हर आंदन को मैं खराब कर दूँ, मेरा भी ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, और हमारा उद्देश्य ये है कि इंसान अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन करे और अपनी आनंद को भी मेंटेन करें। तो इंसान की हैबिट है अगर चाय पीने की, उनको आदत है, तो भले ही वो चाय पिए, लेकिन अगर उसमें से अगर चीनी नाम की यानी शुगर को हटा दिया जाए और उसकी जगह पे दूसरे विकल्प का इस्तेमाल किया जाए, गुड़ डाल सकते जी हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए फिर दूध को भी हटाना पड़ेगा, और दोनों की अपनी अपनी समस्या है। आज पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो हम फैटी लीवर, हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुके हैं, और ये तीनों रोगों के पीछे मुख्य कारण कोई है तो यहाँ पर दूध की नदियाँ बहना है। दूध के उत्पादन जितने ज़्यादा होंगे, और वो अगर दूध पचेगा नहीं तो वो आगे जाके बीमारियाँ उत्पन्न जो लोग करेगा। हार्डवर्क करते हैं वो दूध पी सकते हैं। अगर जीवन में श्रम है, अगर वो पचा सकते हैं, और उसके नियम है, आपकी आंखों में बलगम नहीं आना चाहिए, गले में बलगम नहीं बनना चाहिए। अगर आंखों में बलगम आ रहा है तो आपका दूध आपको पच नहीं रहा है, फैट्स पच नहीं रहा है, तो एक्सेस ना हो जाए, तो ये ध्यान रहे। और जितना वो बदलाव करेंगे, समझिए चाय पीनी है तो चाय का नशा करें, लेकिन ग्रीन टी या ब्लैक टी बना के पिए जैगरी के साथ। चीनी बंद नहीं करेंगे तो हड्डियों से संबंधित बीमारियां होगी आने वाले भविष्य में, और जब तक चीनी खाते रहेंगे हड्डियों से संबंधित बीमारियां भी ठीक नहीं होगी, तो ये अतुल जी, भी मार्केट में बहुत सारी ये ब्लैक टी, लेमन टी ऐसी मिलती हैं, जी। उनको आप कैसे देखते हो?
ब्लैक टी, लेमन टी, बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन जितना प्रोसेस फूड कम हो उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम घर पे भी ऐसे अनेक रेसिपीज हैं, अगर हम देखें ब्लैक टी तो चाय की पत्तियों से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अनेक विकल्प हैं जिसमें आप लेमन ग्रास की टी घर पे बना सकते हैं, टर्मरिक टी बना सकते हैं, पुदीना की चाय बना सकते हैं, या फिर सिनामोन जिसे हम दालचीनी कहते हैं, दालचीनी। तो दालचीनी से भी बहुत एक हेल्दी टी बन सकती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगी। जी बिल्कुल। तो अगर आप इस हैबिट को चेंज करके ऐसे विकल्प ला सकते हैं घर में तो ये तो सर्वोत्तम हो जाएगा। अतुल जी, मेरा जो वेट है वो 100 kg है, मेरे को कितना फ्रूट खाना है, कितना सलाद खाना है, इसके बारे में भी कोई निर्धारित की आपने जी सीमा? बिल्कुल। इंसान का शरीर का जितना भी वजन हो उसका 1% यानी 1% कम से कम आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। यदि 100 किलो मेरा वजन हो तो 1 किलो मेरे को 1 किलो फ्रूट्स खाने होंगे, और फ्रूट का जूस। फ्रूट्स अगर खाए जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, खाने में अगर जूस की जगह पे फ्रूट्स खाए जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट्स। जी और अगर हम सब्जियों या सलाद की बात करें तो अगर उसका जूस भी बनाना चाहे आप सब्जियों का तो बना के ले सकते हैं, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। और सैलड की अगर बात करी जाए कि कितना प्रोपोर्शन में खाना चाहिए, तो आपके शरीर का 0.5% यानी 500 ग्राम सैलड, ठीक लेकिन इस मात्रा में अगर आप फल और सैलड खाने शुरू कर देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 6 महीने साल भर में आप 100 किलो से 60-65 किलो पे आ जाएंगे। बिल्कुल, 6 महीने में जी इतना बिल्कुल, ज्यादा या साल भर लग जाएगा। आप कितनी शिद्दत से अगर आप इसको पालन करेंगे, कितना परिवर्तन लाते हैं उस पर निर्भर करता है, जी। लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत जल्दी आप फिर से नई फिटनेस, आप फिर से, हमारा ओजस का नारा है कि हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा युवा रहे, और आप भी फिर से युवा जरूर बन सकते बिल्कुल हैं। अतुल जी, एक आम बॉडी, मेरे जैसा बंदा या 60 साल की कोई लड़की है या औरत है जी या बच्चा है 18-20 साल का या उससे पहले, कई बार हम पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, लोग कहते भी हैं कि पानी हमें 5-7 लीटर पीना चाहिए, इसमें पानी भी कोई निर्धारित है आपका? जी बिल्कुल। पानी को लेकर अगर मैं नियम आपसे कहूँ तो शरीर जितना मांगे उतना ही पानी पीना चाहिए, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम। आपकी बॉडी साइन देती है। जी बिल्कुल। आप जब एक आप अगर मैं आपसे उदाहरण दूँ तो जब आप सामान्य अवस्था में अगर आप 1 लीटर पानी पीते हैं, तो जिस दिन आप तीखा तला हुआ भोजन अधिक खाएंगे उस दिन आपका शरीर आपसे अपने आप दुगना पानी मांग लेगा। और अगर आप किसी गर्म जगह पे जाएंगे, दिन भर धूप में घूमेंगे और बहुत गर्मी होगी, तो गर्मियों के मौसम में अगर हम धूप में घूमते हैं तो हो सकता है कि आपका शरीर आपसे हर आधे घंटे में 0.5 लीटर पानी मांग ले और फिर भी आपका प्यास बुझे नहीं, ये तो आपने अनुभव किया होगा बिल्कुल। है ना। तो शरीर जानता है कि आपको पानी कितना पीना चाहिए। और फिर भी अगर आप नियम समझना चाहें और गहराई में, तो हमारे यूरिन का कलर एकदम पानी की तरह यानी लाइट येलो कलर, पेल येलो कलर मेंटेन होना चाहिए, बहुत गाढ़ा या पीला नहीं होना चाहिए। तो बस उसी तरीके से पानी को आप मेंटेन करें। बिल्कुल अतुल जी, आगे बात करते हैं। जब हम फिट रहना चाहते हैं, जी आपको आपने मेरे को ये बता दिया कि ये खाना है ये नहीं खाना, जी कई बार लोग बोलते हैं कि विटामिन डी की ये मेडिसिन आ गई, शैशे आ गए, ये ले जी लो, जूस हम डिब्बा बंद ले रहे हैं, जी कई बार ऐसे भी प्रोडक्ट आ जाते हैं मार्केट में कि ये ले लो, वो कितने खतरनाक है हमारे लिए? अब आपने ही शब्द सीधे कह दिए हैं कि कितने खतरनाक है, लेकिन देखिए जितना वी बिलीव इन फ्रेश, हम ये जानते हैं कि आज के व्यापार के जगत में हम जितना अपनी आंखों के सामने बनाकर खाए और जितना फ्रेश खाए उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो कोशिश करें कि ये पैक्ड फूड को अवॉइड करें और उसकी जगह पे जितने फ्रेश फल और सब्जियां मिले उसी से फ्रेश फलों को इस्तेमाल करें, उसी का जूस बना के लिए, और जितना डिब्बा बंद खाने को रोकने की कोशिश की जाए इतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्योंकि कोई भी वस्तु को प्रिजर्व करने के लिए ये संभव नहीं है कि आप जूस निकाल लें और उसको डिब्बे को एयरटाइट कर लें और उसे आप महीना भर या 15 दिन अपने घर में संभाल के रख सकते हैं, ये संभव नहीं है। आप कोशिश करें कि ये प्रिजर्वेटिव्स और सारी चीज़ें जो उसमें मिली होती है उससे हम दूर रहें और जितना फ्रेश मिले उसी का प्रयोग करें। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे अतुल शाह जी से, इनकी निजी जिंदगी के सवाल। ये अतुल शाह एक को एक ब्रेक करते हैं। ओके, एक मिनट रुक, कटीना 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 कटीना, एक मिनट, कटना नहीं, ठीक है।
अब हम बात करते थे ओजस लाइफ से, अतुल शाह जी के कटना नहीं, मैं तुम दसना। अच्छा थोड़ा गल पूरी होगी ना। सो अभी एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप जुड़े रहिए प्राइम एशिया टीवी के साथ। मैं हूँ जसविंदर सिंह बिट्टा, एक मिनट रुकना। सो अभी एक छोटे से वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्राइम एशिया टीवी। कटना नहीं कटना नहीं कटना नहीं, वो बाद कट लेंगे बहुत से। हाँ, जी और की गल रहेगी अपनी, तो मैं ये देख रहा था कि बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत सारे मिशे कोई इधर बात उधर हो रहे नहीं, हैं। नो इशू। मेरे को इच्छा है कि हम 10 10 15 15 मिनट के ही वीडियो फ्लोट करें ओके, और ये ज़्यादा वायरल हो इसमें जाए। इस एक मिनट इसमें इन्हों अपन एंड कर लेने हैं, इस प्रोग्राम ने हाँ इतने एंड कर लेने हैं हाँ ना। आप गल कितने कर रहे थे, हम तो सी गल कर रहे थे ना हम। हाँ ओके। प्रोसेस फूड की बात कर रहे थे। अतुल जी, आपका मैसेज क्या है, आपका मकसद क्या है लोगों को फिट बनाने का? मैसेज यही है कि जितना हमारा शरीर जो है वो प्रकृति से बना है, प्रकृति यानी प्रकृति के जो 5 तत्व है उसी से शरीर बना है, और जितना प्रकृति के साथ कनेक्शन में रहेंगे, जितना जुड़ के रहेंगे, जितना चीज़ों को फ्रेश खाएंगे, सूर्य के साथ जितना खेल कूद करेंगे या सूर्य स्नान करेंगे, और साथ में भोजन में सैलेड और फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाएंगे तो उतना संसार हेल्दी होगा, उतना लोग स्वस्थ होंगे और बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, बीमारियां कम हो सकती है और फिट रह सकती है।